वहाँ पर उनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा देख करके नारद जी ने उनके पीताम्बर आदि वस्त्र धारण किए हुए स्वरूप को देख करके उनको साष्टांग दंडवत करते हुए देख करके नारद से नारायण जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस लिए आपका आगमन हुआ? कृपा करके हमें बताएं। तब नारद जी बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों में दुखी हो रहे हैं। कृपा करके उनका कोई उद्धार हो तो उसके बारे में बताएं, क्योंकि आगे कलिकाल आएगा, उसमें जीव जो है अनेक प्रकार के दुखों से दुखी रहेंगे, इसलिए उनको किस तरह से वाला है। भक्ति भाव श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकता है, और पूजन करने के लिए अनेक प्रकार से बंधु बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर के भगवान का ध्यान करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेकर के गेहूं के अभाव में साथी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ आदि उसमें मिश्रित करते हुए सब प्रकार से सुंदर भक्षा योग्य पदार्थ बना करके और भगवान को भोग लगाना चाहिए। बंधुओं सहित इष्ट मित्रों के